राम राम जी सारे ने। तुम्हारी तड़के की शुरुआत हो चुकी है गर्म पानी से। आपकी शुरुआत किस तो है अगर कमेंट करके जरूर बता दियो। तो जी अमली है उठ फिलहाल पी मैं ताता पानी। तड़की तड़क गर्म पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होया करे, और इसमें कुछ गेर लो तो और ज़्यादा बढ़िया है। मैंने इसमें ग्रीन टी गेर रखी है। तो आज का दिन बहुत मज़ेदार बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। होएगा क्या उसके लिए तो पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। अब पूरा व्लॉग देखने के लिए टाइम काटना पड़ेगा। टाइम किसरो काटना है वो आप लोग देखो। ठीक है जी, हमारा काम व्लॉग बनाना, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जगह चीज़ें दिखाना। आपका काम है देखना। बने रहो मेरे साथ, करते हैं दिन की शुरुआत। मेरी माँ आ चुकी है सुबह सुबह की वॉक करके। मारते बढ़िए तो मेरी माँ कम दम तड़के उठ कर वॉक तो कर ले। हम आड़े कांबड़ में बैठे रहे हैं, ताता पानी पिए जा हैं। जब भूख लग हाई रोटी हाई रोटी। पापा के खावा दिए मन अभी दिए मन अभी कबाड़ा हा मेरे पापा वाले कबाड़ा किसने को दिखाऊंगी मैं। उठ ले ले दे पापा कबाड़ा। नहीं मेरे पापा का कबाड़ा दिखाऊंगी किसने कहा करा मेरा पापा कबाड़ा कही है पापा कहते राम राम सारा ना कही है पापा कहते राम राम सारा ना कोई नहीं आप तू कह तो सही है कहते राम राम सारा ना मैं दिख लाग रही ना तो ये आज कबाड़ा दिख गया होगा जो मेरे बापू ने मर्त दिया और खुद भी खाया। खड़ी हो लेने मोटी पापा रोटी खा कर चले जाइए। देख लो जी मैं बना लाग रही हूँ रोटी, और ये दिखाई मैंने कती गोल गोल रोटी बन रही है मेरे हाथ तक खुद देख कर राजी हो गई। रोटी मारी बन रही है और अब करा हम जान की तैयारी। मछली कड़ा अपने काम धंधे पे मतलब मछली कड़ा संभाल अपनी ड्यूटी। दिल्ली जा है आज हम और यह जा है ब्याह में या जा है ब्याह में एक ही सहेली का ब्याह है। मैं ना जाऊं मैं अपनी सहेली के ब्याह में नहीं गई थी इसकी सहेली के ब्याह में किस तरह चले जाऊंगी। कौन है ये लोग कहां से आते हैं? मैं जाऊंगा अपना दिल्ली। तो हम जावा ये फिलहाल मार्केट में हमने ले जाना उठता घी क्योंकि देसी घी मेरा हो रहा है खत्म। बिना घी के हो जाऊं मैं दुखी। तो फिलहाल मैं मार्केट में जाकर एक बार घी ले आऊं उसके बाद करूँगा अपनी जान की तैयारी। समझ नून आ रहा है ट्रेन तो जाऊँ अग बस्ता जाऊँ चलो देखे अभी टाइम बताओ तो कहीं तो जाना है। कदर ठंडी ठंडी बाल चल रही है कती बड़ी ठंडी ठंडी बाल चल रही है अभी। नो गॉड प्लीज नो 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 आज तो ऐसा जी कर रहा था ना कितने ब्याह में खाया हूँ जाकर मतलब ब्याह का खाना जी कर रहा है। बनाते हैं प्रोग्राम किसी के ब्याह मत जाओगे है ना अपने उ रही चीज तो बढ़िया है मतलब किसी के ब्याह में चल जाओ कोई ना पूछता मतलब कितने प्लाट प्लोट में टेंट लाग रहा ना वहां बढ़ जाओ कोई ना पूछता बस मुँह है लत्ते लुत्ते सज के होने चाहिए ना तो तान बात जाए। ठीक है देखा है कित जाना होगा।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠਾਂ ਬਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਗੇਰੇ ਦਿਨ ਪਰਵਾ ਬਲੀਏ ਸਾਡੇ ਮਰਲੀਏਗਤੀ पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी राम राम। हमारे पंडित जी हैं और हम यहाँ मंदिर में आए थे पंडित जी से मिलने, आशीर्वाद लेने, प्रसाद लेने। पंडित जी प्रसाद रह गया, अभी देना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, मैंने तो कर लिए हैं, सुबह सुबह आके जल भी चढ़ा दिया है। मुझे नहीं पता था, मेरे आदमी थे, लेकिन पंडित जी ने याद दिलवा दिया। तो जी सभी सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम जरूर ले लिया करो, बहुत बढ़िया हुआ। एक भगवान का नाम तो है जो मतलब फ्री मर बड़े क्या करा ना, आत्मा की शांति के लिए, खुद की शांति के लिए, संतुष्टि के लिए एक भगवान का नाम होया करा, तो उसने टाइम लगे ले लिया करो, नहीं बाद में पछताओगे, कुछ ना मिलना। तो दो माँ बैठे हुए हम सेक रहे हैं धूप, छत पर बैठे हुए हमारी छत, कैप बताइए कैसी लग गया है। मैं कैप लेकर आई हूँ नई, तो बताना ज़रूर कैसी लगती है, कैसी लग रही है, मस्त ना, बढ़िया एक नंबर कतई। क्या नहीं। क्या बोला तूने, ये पहले क्या बोला, चल चल चलो जाके इलाज करो आप। तो देख सको जी ये छत का नज़ारा, ये जा रही है तोरी की बेल, फिर मैं ये साग सब्जी उगा लिया अगर हम जुड़सी बनाए ना, तो बाहर के तो बेरा है किसी यार आजकल। तो फाइनली लिकट लिए जी, मैं लिकट ली हूँ दिल्ली तो ही, दिल्ली जाऊँ हूँ, बतेरे दिन मैंने दुखी कर लिया मेरे घर के, ये भी दुखी आ गए थे घर के, ना मैं काट दी हूँ, मतलब सारा और ना है बात जगह की चाला हो रहा है, दिखता को ना, मतलब फोन के ले लिया आदमी ना हाथ में, स्टेशन पा लिए हैं। अरे यार छोरी मैंने छोड़ना आई, पीछे लिए इसने पेट्रोल के, मतलब लग गए 20-50 रुपये होंगे, अरे ना मेरे तो 100 रुपये ले लिए छोरी ने, नुगा ऑटो में भी तो ब्रान होती जाओगी, मैं एक्टिव चलाऊंगी तेरा इतना सामान ढोंगी। देख सको जी मैं स्टेशन पा ली हूँ, हड़ते पकड़ेंगे अपनी ट्रेन जाएंगे, ड्यूटी भी करनी ज़रूरी है, जब बालक बड़े हो जाया करा तो घर के ना ज़्यादा दिन नहीं रखा करते ना, मतलब अपना काम कुम देखो जाकर। देख सको जी काफ़ी यात्री हैं यहाँ पर जो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, तो हम कहना चाहेंगे कुछ सुनना है यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। कुरुक्षेत्र से चलकर पुरानी दिल्ली को जाने वाली पैसेंजर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है, अटेंशन प्लीज। तो देख सको जी ये हमारे हरियाणा का एक वातावरण, हरियाली, खेत तो घना जी लग गया करा खेता में जान में, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि अब की बार काम घना हो गया था, जड्डे के लत्ते लेकर आने थे हमारे, थोड़ा सा और घर में काम हो ही जाया करा, ऊपर तो दिन छोटे होने लग गए, तो ये करके मैं कितने ना जा पाई, फिर भी नुआ ट्रेन में बैठे बैठे थोड़ा सा कैप्चर कर लिया यूँ मैंने, ये मैंने मिल गया था राम, मैंने सोचा इसने भी अपना कर ही ले दिखाई दें, तो देख सको कितनी बढ़िया, मतलब कितना अच्छा लग रहा है अड़े हरियाली ना देख के।
तो यह जी मारे घर के अड जाने वाली फाटक जी के नीचे को हम लिकड़ का जाया करा गाड़ी गुड्डी पाओ या एक्टिवा वगैरह पाओ तो आड़ा को हमने लिकड़ का जाना पड़ा है। और जे पैदल जाना हो तो आड़े तो चले जाया करा अपना लाइन अपन है आड़े तो सीधा पैदल चले जाया करा तो हमारा रहा पड़ा है पैदल जाना। जी हम आ लिए हैं पानीपत। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं करनाल चली गई थी दूसरे घर पूरा तो सीधी आई हूँ मैं पानीपत जा नहीं पाई तो पानीपत आ लिया है देख सको आप पानीपत जंक्शन आ लिया स्टेशन या हमारी ट्रेन जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई है क्योंकि एक नंबर पर ऑलरेडी खड़ी है जहाँ करके दूसरे पार सोनीपत रेलवे स्टेशन तो फाइनली हम आ लिए घर है खा पी के इब सोवेंगे तो मैं करूँगा अपने व्लॉग ना खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए राम राम।